दरभंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से दरभंगा रेलवे स्टेशन का 340 करोड़ रुपया की लागत से विश्व स्तरीय रेलवे के रूप में परिवर्तित करने हेतु पूर्ण विकास कार्य की आधारशिला रखा। इस अवसर पर रेल संबंधी स्थायी समिति एवं रेल मंत्रालय के परामर्शदर्शी समिति के सदस्य स्वस्थानीय सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री दिवेश मिश्रा, पूर्व विधान परिषद सदस्य अर्जुन सैनी सहित भाजपा के कई विधायक व कार्यकर्ता उपस्थित थे। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से दरभंगा रेलवे स्टेशन का पूर्ण विकास कार्य का शिलान्यास किया, वैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर पर 1 पर बने कार्यक्रम स्थल पर तालियों से गुंजयमान हो उठा। इस अवसर पर दरभंगा के भाजपा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीते 9 वर्षों के अमृत कार्यकाल में देश के सभी क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास कर रहा है। इसी विकास यात्रा के क्रम में भारतीय रेलवे भी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णवी के नेतृत्व में ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजरते हुए अपने स्वर्णिम लक्ष्य की तरफ अग्रसर है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अपनी महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आगामी 50 से अधिक वर्षों को ध्यान में रखते हुए देश भर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों का पूर्ण विकास कर विश्व स्तरीय सुविधा युक्त बनाने का फैसला की है। वहीं उन्होंने कहा है कि रेलवे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम करके दिखाया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कार्यकाल में जो इतना बड़ा फैसला लिया गया, आज तक किसी सरकार ने इतना बड़ा फैसला नहीं लिया। वहीं उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने 508 स्टेशन का शिलान्यास किया है और 2024 में जब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन के आएंगे तो निश्चित रूप से इसका उद्घाटन भी करेंगे। वहीं गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि रेल का विकास होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं को रोजगार देने का सपना साकार होगा। रेलवे का सुविधा चाहिए, लेकिन हम कहा चाहे थी सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के जब सरकार बनल छह समय में रेल के सुविधा भेटल छल, नहीं तो हो ट्रेन भेटत समस्तीपुर से, ट्रेन भेटत मुजफ्फरपुर से, ट्रेन भेटत पटना से, दरभंगा और मिथिला में एक समुचित ट्रेन भी नहीं चल। आई देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आई दरभंगा समस्तीपुर दोहरीकरण के काम हजारों करोड़ के लागत से आई नरेंद्र मोदी के सरकार में दरभंगा समस्तीपुर दोहरीकरण भी भेल हम। आई 88 साल बाद कोसी महासेतु नरेंद्र मोदी जी दरभंगा को ऐतिहासिक सौगात दे रहे हैं। उन्होंने तो बहुत सारी सौगात इस मिथिला और दरभंगा को दी है। आज एयरपोर्ट हो कि आज औरंगाबाद से दरभंगा बिहार का पहला एक्सप्रेस हाईवे हो कि दरभंगा शहर में 7 रेल ओवरब्रिज भी उन्होंने स्वीकृत करने का काम किया है। चाहे वो आईटी पार्क हो चाहे और रेम्स, दरभंगा में एम्स उन्होंने देने का काम किया, लेकिन बिहार सरकार के लेट लतीफी के कारण आरओबी में भी हाथ नहीं लग रहा और एम्स में लटकाने भटकाने का काम किया जा रहा है। मैं बिहार सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, एम्स को और योजनाओं को लटकाने भटकाने का काम नहीं करिए। या मिथिला भी प्रणाम निवेदित करते हैं और अपनी ओर से भी आप सभी को प्रणाम निवेदित करते हैं। मित्रों, मालूम है कि जब से एनडीए की सरकार इस देश में आई, अनवरत विकास के कार्यों को एक गरीब का बेटा, एक गरीबनी का बेटा, जब एक चाय बेचने वाली का बेटा, एक दूसरे के घर में बर्तन मांजने वाली का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो इस देश के अंतिम व्यक्ति की चिंता करने का काम किया, उसी का परिणाम है कि पिछले 9 वर्षों में इस देश के अंदर 4 करोड़ से अधिक गरीबनी माताओं को पक्का मकान देने का काम इसी गरीबनी के बेटे ने किया। बहुत कुछ दिया दरभंगा को, दरभंगा को आपने एयरपोर्ट दिया, दरभंगा को आपने एम्स दिया, दरभंगा को आप मखाना सेंटर दिया और आज के तारीख में आप जो ये रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण और चौमुखी विकास के लिए शिलान्यास कर रहे हैं, दरभंगा की जनता और हिंदुस्तान की जनता एक एक पैसा का सूद लगाकर आने वाला जो चुनाव है उसमें आपको वापस करेगा। इसलिए मित्रों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपको मालूम है, आप नरेंद्र मोदी जी 14वें भारत के प्रधानमंत्री बने थे। बहुत सारे लोग इसको बड़ा हल्का से ले रहा था कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री है और भारत के न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा।